आपका क्वेश्चन है, टू कस्टमर्स आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, मंडे टू सैटरडे। ईच इज लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज ऑन अदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, ऑन डिफरेंट डे, कंसेक्यूटिव डेज? तो इसको समझो। तो इसने देखो क्या बोला है कि दो कस्टमर है। तो सपोज टू कस्टमर्स हमारे कौन कौन है, वन इज राम एंड अदर इज श्याम। तो राम एंड श्याम, अब इसने बोला है आगे कि ये दोनों वीक में मंडे टू सैटरडे ही जा सकते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 6 डेज, है ना। तो राम 6 डेज जा सकता है और श्याम भी 6 डेज जा सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 × 6 इज इक्वल टू 36। ये हो गए आपके टोटल आउटकम, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इसने कहा कि दोनों सेम डे जाएंगे। तो अगर सेम डे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सेम डे इज मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। तो देखो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 6 ओनली। तो सेम डे में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, देखो सेम डे दे आर गोइंग, है ना। तो कितनी हो गई, 6/36। तो वी कैन से 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6। अब नेक्स्ट देखो, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो सेम डे की 1/6 है तो ऑन डिफरेंट डेज की क्या हो जाएगी, 1 − 1/6। तो 1 − 1/6 दैट इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम 6, तो यहां पर आ गया 6 − 1 दैट इज इक्वल टू 5/6। तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज 5/6। अब इसने बोला है कंसेक्यूटिव डेज, तो कंसेक्यूटिव डेज का मतलब क्या है, एक के बाद एक, 1/1। तो कंसेक्यूटिव डेज हम लिख लेते हैं, तो फर्स्ट इज मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे थर्सडे थर्सडे एंड फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। अब इसमें आपको देखो करना क्या है, राम एंड श्याम, तो मंडे के दिन राम जा रहा है एंड ट्यूसडे के दिन श्याम, ठीक है। ट्यूसडे के दिन अगर राम जा रहा है तो वेनसडे के दिन श्याम, वेनसडे के दिन राम जा रहा है तो थर्सडे के दिन श्याम, फिर थर्सडे के दिन राम जा रहा है तो फ्राइडे के दिन श्याम, एंड नेक्स्ट राम जा रहा है फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन इज श्याम। लेकिन तो देखो ये कितने हो गए, 5, टोटल इज 5। लेकिन इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर श्याम मंडे के दिन है तो ट्यूसडे के दिन इज राम, श्याम ट्यूसडे है तो वेनसडे के दिन इज राम, और श्याम वेनसडे है तो थर्सडे के दिन इज योर राम, फिर थर्सडे के दिन श्याम है तो फ्राइडे के दिन आपका राम है, फिर शाम है फ्राइडे के दिन और सैटरडे के दिन इज योर राम। तो आप देखो कितने हो गए, 5 + 5 = 10। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/36 दैट इज इक्वल टू, इसको 2 से कट करो तो यू विल गेट 5/18। तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 5/18।